नमस्कार, स्वागत है आपका CN24 में। पूर्वांचल का कोई भी हिस्सा हो, नहीं बचेगा हमारी नजरों से। खबरें हर कीमत पर, खबरें गली कूचे से लेकर राजपथ तक, चाहे राजनेता हो, खिलाड़ी हो या फिर आम आदमी। मुद्दा साफ सफाई का, बेरोजगारी का या फिर विकास का, हमारी नजरें पर्दे के पीछे भी, नहीं बचेंगी कोई भी खबरें। खबरें अब तक, खबरें आप तक। नमस्कार, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं CN24। आज के इस अंक में आपका स्वागत है। तो खबरों के विस्तार में चलने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। देवरिया में डॉक्टर की जगह ले रखी है फार्मासिस्ट। मोदी सरकार के 2 साल पूरा होने पर योगी ने खुटहन की जगह एम्स के लिए सुझाया फर्टिलाइजर की जमीन। गोरखपुर आए कांग्रेसी नेता पीएल पुनिया ने कहा, देश को बांट रही है केंद्र और प्रदेश सरकार। बीएचयू में आप कार्यकर्ताओं पर हमले के विरोध में पैदल मार्च। फैजाबाद कसम पर योगी ने कहा, नहीं है उन्हें इसकी जानकारी। और अब 100 नंबर पर फाल्स डायल करने वाले हो जाएं होशियार, होगी सख्त कार्यवाही। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश सरकार लाख दावे कर ले कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था सुचारू ढंग से चल रही है, पर वह कागजों में ही सीमित है। जमीनी हकीकत कुछ और है। जनपद में डॉक्टरों की कमी अब फार्मासिस्ट पूरी कर रहे हैं, बकायदा वह चिकित्सा अधिकारी की कुर्सी पर बैठकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद का सदर ब्लॉक, आइए आपको लेकर चलते हैं इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बबनी में, जहां मरीजों के स्वास्थ्य के साथ जमकर खिलवाड़ किया जा रहा है। यहां के फार्मासिस्ट अपनी कुर्सी छोड़ बकायदे चिकित्सा अधिकारी की कुर्सी पर बैठकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। मरीजों की माने तो उन्हें ही मुख्य डॉक्टर समझकर यह मरीज अपना इलाज करवा रहे हैं, और यह खेल आज से नहीं कई महीनों से चल रहा है। फार्मासिस्ट मंजीत कुमार का कहना है कि 7 महीने पहले यहां से डॉक्टर का ट्रांसफर हो चुका है, तब से यहां कोई तैनाती नहीं है। जो हमें पढ़ाया गया है उसके हिसाब से हम इलाज करते हैं। पंखे की कमी के कारण हम इस कुर्सी पर बैठे हैं। नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बबनी जो मझगामा के अंतर्गत आता है, यहाँ पर मैं फार्मासिस्ट के पद पर तैनात हूँ। नहीं, डॉक्टर साहब की तैनाती लगभग 6-7 महीने पहले उनका ट्रांसफर हो गया है, कोई तैनात नहीं है इस समय। अभी आप कैसे इलाज करते हैं? अब जो हमको अपने हिसाब से समझ में आता है, जो पढ़ाया गया है, 3 साल का को डिप्लोमा कराया गया है मेडिसिन का, उस पर हम अपना इलाज करते हैं। सर, हमारे अस्पताल में 3 पंखे लगे हुए हैं, और 1 पंखा वार्ड में है, 1 पंखा चिकित्सा अधिकारी में है, 1 पंखा जो स्टाफ के पास है। हमारे कमरे में कोई पंखा नहीं है। पंखे की स्थिति को देखते हुए मैं चिकित्सा अधिकारी कमरे में बैठा हूँ। आइए अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। इस स्वास्थ्य केंद्र पर 1 अदद हैंडपाइप भी यहाँ मैसर नहीं है मरीजों के लिए। इस भीषण गर्मी में मरीजों को पानी मिल सके, वे दवाइयाँ खा सकें, इसकी कोई व्यवस्था अस्पताल प्रशासन ने नहीं कर रखी है। पानी की व्यवस्था इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कहीं नहीं दिख रही है, जिस कारण मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस सिलसिले में एक मरीज मेहदी हसन ने आप बीती बताई। हॉस्पिटल पर हमको यहाँ पर दवाई खाना है, पानी का व्यवस्था नहीं, घर जाकर हम दवाई खाएंगे, पानी से मिलेगा। यहाँ पानी का जुगाड़ हो जाता है, व्यवस्था तो अभी ठीक हो जाते। इस बाबत जब हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी दिनेश सिंह से बात की तो उनका कहना था कि हमारे जिले में डॉक्टरों की घोर कमी है। इसके विषय में हमने शासन को कई बार पत्र लिखा है। जहां हमारे डॉक्टर तैनात नहीं है, वहां फार्मासिस्टों ने मोर्चा संभाल रखा है। पानी के सवाल पर सीएमओ ने कहा कि जिला प्रशासन को कई बार लिखा जा चुका है। गोरखपुर में एम्स और फर्टिलाइजर का अतिशीघ्र शिलान्यास होगा, यह बात योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा। उन्होंने कहा कि खुटन की भूमि विवादित व हाईकोर्ट का स्टे है, 125 साल तक यह मामला खत्म नहीं हुआ तो अब क्या होगा। प्रदेश सरकार जनता और केंद्र सरकार को गुमराह कर रही है। फर्टिलाइजर कैंपस में ही 1000 एकड़ जमीन है, जिसमें से 200 एकड़ भूमि पर एम्स बनने का विचार हो रहा है। इसके लिए जल्द ही केंद्रीय टीम दौरा पर आ रही है। एसएसबी को 100 एकड़ कैबिनेट के डिसीजन के बाद आवंटित हो रही है, तो उसी प्रकार से फिर एक और कहीं जहां पर किसी भी प्रकार की कोई पर्यावरण या अन्य कोई स्वास्थ्य संबंधी कोई कारक उसके लिए होने होंगे, तो उन स्थितियों में वहां पर एक केंद्रीय टीम बहुत शीघ्र यहां कर विजिट करेगी। नहीं, प्रदेश सरकार की तैयारी से बाहर होगा, फिर केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट की लैंड है वो। सेंट्रल गवर्नमेंट FCI के
टीम आने के बाद ही कंफर्म हो पाएगा। टीम यथाशीघ्र, भारत सरकार उस पर गंभीरता से विचार कर रही है और केंद्रीय टीम आकर के इन सब चीजों का अध्ययन करेगी। उस समय मैं भी वहां मौके पर रहूंगा और आप लोगों को इस बात से अवगत करवा देंगे। यथाशीघ्र होने जा रहे हैं। जाना चाहिए कि आखिर 22 करोड़ लोगों के खाते जनधन योजना में अब तक नहीं खुले थे। गरीबी हटाने के नारे तो देती थी लेकिन उन गरीबों के खाते नहीं खुल सकते थे। आखिर मोदी जी के कारण ही आज उन 22 करोड़ लोगों के न केवल खाते खुले हैं, अभी तो उसमें 5,000 का क्रेडिट की उनको सुविधा दी जाती है और यही नहीं 2,00,000 की उनको गारंटी भी दी जाती है। क्यों इस देश में अब तक मुद्रा योजना के अंतर्गत लगभग 4 करोड़ परिवार 50,000, 5,00,000 या 10,00,000 तक का लोन लेने के लिए मजबूर हुआ है। ये दुर्व्यवस्था का दोषी कोई है तो सर्वाधिक कांग्रेस है, जिसने इस देश के अंदर सर्वाधिक शासन किया। सामाजिक सुरक्षा की कोई गारंटी इस देश के लोगों को नहीं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना जैसी योजनाएं या अटल पेंशन योजना जो इस देश के हर व्यक्ति को एक सीमा के बाद यानी रिटायरमेंट की सीमा के बाद पेंशन की गारंटी देता है, जो सरकारी नौकरी में नहीं है उन लोगों को भी। और मैं तो कहूंगा कि आप सभी पत्रकारों को अटल पेंशन योजना में अपने आप को करना चाहिए, कम से कम 1,000 से लेकर 5,000 पेंशन की सुविधा की गारंटी वह योजना देती है। आज गोरखपुर एक कार्यक्रम में शिरकत करने आए अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीएल पुनिया ने फैजाबाद में बजरंग दल द्वारा ट्रेनिंग के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि शासन को इस तरह के कार्यक्रमों की जानकारी होनी चाहिए थी। कार्यक्रम पिछले 5 दिनों से चल रहा था और इस तरह के कार्यक्रम देश को बांटने का काम कर रहे हैं। हम अपने ही लोगों से लड़ रहे हैं, इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन बजरंग दल चला रहा था, इसलिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन को जानकारी होनी चाहिए थी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये शासन और प्रशासन की लापरवाही है। वहीं बेनी प्रसाद की सपा में वापसी पर पीएल पुनिया ने कहा कि बेनी प्रसाद वर्मा को राजनीति का बहुत अनुभव है। बेनी प्रसाद सपा के साथ रहकर सपा के खिलाफ काम करते रहे, कांग्रेस पार्टी के साथ रहे पर कांग्रेस के खिलाफ काम करते रहे, ये तो उनकी फितरत है। कांग्रेस छोड़ने के बाद उनसे कांग्रेस पार्टी को लाभ ही होगा। भीतरघात कर जो नुकसान करते थे कम से कम उससे तो पार्टी को निजात मिलेगा और वो अपनी स्थिति के बारे में खुद अच्छी तरह जानते हैं। केंद्र की भाजपा सरकार के 2 साल पूरे होने के बाद किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को केवल प्रचार प्रसार करने में ही महारत हासिल है। सभी वर्ग अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। देखिए, कार्यक्रम वही ठीक होते हैं जो देश के में सब लोगों को जोड़ने का काम करें और कुछ इस तरह का संदेश दें कि हम अपने ही लोगों किसी के साथ में लड़ाई लड़ रहे हैं तो देश को आगे नहीं बढ़ा सकते, वो देश को पीछे धकेलता है। और इसी तरह का कार्यक्रम बजरंग दल के द्वारा आयोजित किया गया जिसकी कठोर शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है और हम चाहेंगे कि राज्य सरकार ऐसे मामलों पर नज़र रखे। 5 दिन से कार्यक्रम चल रहा था, जब मीडिया का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँ, जब उन्होंने ये पूरा मामले का खुलासा किया तब राज्य सरकार को होश आया और तब रिपोर्ट दर्ज की। ये पहले से ही इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए थी, जो कि राज्य सरकार की और जिला प्रशासन की लापरवाही है। देखिए, बेनी प्रसाद वर्मा जी राजनीति का अनुभव बहुत है, समाजवादी पार्टी में रहे, समाजवादी पार्टी में रह के समाजवादी पार्टी खिलाफ काम करते रहे, कांग्रेस पार्टी में रहे, कांग्रेस पार्टी में रह के कांग्रेस पार्टी के खिलाफ काम करते रहे, तो ये तो उनकी फितरत है। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस पार्टी को लाभ है, जो भीतरघात से जो नुकसान वो यहाँ रह के करते थे कम से कम उससे तो निजात पाएंगे और कोई दुविधा की स्थिति नहीं है। उनका एक लोग कहते हैं कि किसी वर्ग विशेष में बड़ी पैठ है, तो उनका अपना चुनाव उन्होंने लड़ा 2007 में अयोध्या से, वहाँ पता लग गया कि उनकी क्या हैसियत है। अपने बेटे को पिछले विधानसभा का चुनाव लड़ाया है, तीसरे स्थान पर रह गए, तो वो सब लोग उनकी जानते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि
कांग्रेस पार्टी के उनके यहां से जाने के बाद कांग्रेस पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। दो साल की सरकार होने के बाद तो लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर किसानों के लिए कुछ किया, अगर 72,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्ज माफ किया तो लोगों को पता लगा। जब मनरेगा में लोगों को रोजगार मिलने लगा तो लोगों को पता लगा। जब फूड सिक्योरिटी में लोगों को सस्ता अनाज मिलने लगा तो लोगों को पता लगा। कोई प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी केवल प्रचार में ही महारत हासिल है, काम करने में कोई महारत हासिल नहीं। कि जनता पूरी तरह से ठगी महसूस कर रही है, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे दलित और आदिवासी हो, सब लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। उनको कुछ भी नहीं मिला, बदले में मिला महंगाई और भ्रष्टाचार। देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर 44 जगह उत्तर प्रदेश भर में सभाएं कर रहे हैं तो जाहिर है कि उनको 44 सभाएं करने की क्यों आवश्यकता पड़ी। वो तो बहुत महान नेता हैं, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, जन जन के सेवक हैं, तो उनको क्या जरूरत है इतनी बैठकें करने के लिए। लेकिन उनको बैठकें करने की आवश्यकता पड़ रही है। कांग्रेस पार्टी अपने सिद्धांतों पर, विचारधारा के आधार पर चुनाव लड़ती है और वो लड़ेगी। जहां तक प्रशांत किशोर जी का है, वो जो भी सुझाव देंगे वो सुझाव संगठन को देंगे, वो अपने से कुछ नहीं करने वाले, और संगठन उसके बीच में उसको विचार करते हुए अपनी स्ट्रेटजी में कितना परिवर्तन करते हैं करेंगे वो होगा। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी सबसे मजबूती के साथ में चुनाव लड़ेगी और सबसे अव्वल एक नंबर की पार्टी होकर सरकार बनाएगी। बनारस में हुए आप कार्यकर्ताओं पर हमले के विरोध में गोलघर स्थित चेतना तिराहे से शास्त्री चौक होते हुए आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय तक पैदल मार्च किया और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पुस्तकालय खोलने के लिए छात्रों द्वारा किए जा रहे आंदोलन को समर्थन देने जा रहे आप कार्यकर्ताओं पर हुए हमले के विरोध में आज जिलाधिकारी कार्यालय तक आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च किया और जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। पैदल मार्च के दौरान आप पार्टी के जिला संयोजक प्रबल प्रताप शाही ने कहा कि यह हमला बीजेपी और आरएसएस की निजीवादी सोच का नतीजा है, जो किसी भी प्रकार की लोकतांत्रिक मांग को हिंसा के माध्यम से दबाना चाहते हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता रिया पांडे ने कहा कि पहले हैदराबाद, जेएनयू और अब बीएचयू भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही का शिकार हो रहा है। बीएचयू में जो अभी हाल ही में परसों छात्रों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, केवल इसलिए क्योंकि वो एक 24 घंटे की लाइब्रेरी की मांग कर रहे थे। उसके विरोध में जब छात्रों ने प्रदर्शन वहाँ पर शुरू किया तो वहाँ के आरएसएस के गुंडों के साथ मिलकर सुरक्षा बलों के साथ उनपे लाठीचार्ज हुआ, उनको मारा गया, महिलाओं को दौड़ा दौड़ा के मारा गया। इतना ही नहीं कि महिलाओं को अस्पताल तक में भर्ती करना पड़ा। तो ये छात्र विरोधी सरकार है, ये महिला विरोधी सरकार है और ये दमन की सरकार है। ये सरकार नहीं चलेगी। हम इसका पुरजोर विरोध करने के लिए पूरे यूपी भर में एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके लिए हम चाहते हैं कि जो प्रशासन है वो हमारी मांग स्वीकार करे। फैजाबाद में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा आतंकवादियों से निपटने के लिए दी जा रही ट्रेनिंग और बाद में पुलिस द्वारा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के ऊपर की गई कार्रवाई के सवाल पर गोरखपुर के बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है कि फैजाबाद में क्या हुआ, जो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने प्रदेश सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की हिंदू विरोधी मानसिकता को आप पहले से ही समझ सकते हैं और तुष्टिकरण के लिए सरकार किस हद तक जा सकती है, वह इस सरकार के गठन होने के बाद आतंकवादियों के खिलाफ दायर मुकदमों को वापस लेने का प्रयास इस सरकार के द्वारा किया गया, जिसे आपने भी देखा होगा। प्रदेश सरकार की हिंदू विरोधी मानसिकता को आप पहले से समझ सकते हैं और तुष्टिकरण के लिए सरकार किस हद तक जा सकती है, वह इस सरकार के गठन होने के बाद आतंकवादियों के खिलाफ दायर मुकदमों को वापस लेना
लेने की का प्रयास जो इस सरकार के द्वारा किया गया था उस समय भी देखा होगा आपने। फैजाबाद में क्या हुआ है मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। खबरदार हो जाइए, अगर आप 100 नंबर पर झूठी सूचना देते हैं तो कार्रवाई हो सकती है। ये बात हमने खुद डीआईजी शिव सागर सिंह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि इसके लिए एसएसपी को निर्देशित किया जा चुका है। अगर कोई 100 नंबर पर फालतू बात कर और गलत सूचना देता है तो उस नंबर को ट्रेस आउट कर उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत बीते दिनों एक महिला के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। उन्होंने बताया कि सभी थानों को हाईटेक करने के साथ ही सुव्यवस्थित किया जा रहा है। अपराध की समीक्षा सभी थानाध्यक्षों सीओ साहबान के साथ मीटिंग की गई है। जो कमियां विशेष रूप से सफाई कमी नजर आई कल पुलिस ऑफिस में भी, आज पुलिस लाइन में भी, और पुलिस लाइन में सफाई इंचार्ज को सस्पेंड किया गया है। आरआई और सीओ लाइन्स को चेतावनी दी गई है। जो अभिलेखों में कमियां हैं, जो प्रविष्टियां नहीं हैं, निर्देशित किया गया है वो पूर्ण कर ली जाएं। जहां तक सफाई की बात है, एक महीने में पुनः पुलिस लाइन का राउंड लूँगा और तब तक एसएसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि तुम पूरा सफाई करा लेंगे। जी जी, काफ़ी इस दिशा में रंगाई पोताई हो रही, मरम्मत हो रही है। जैसे महिला थाना बहुत सही कर दिया गया है, इसी तरह से मैं आज राजघाट थाने में गया तो वहाँ भी काम चल रहा है। कंट्रोल रूम में भी इनके यहाँ मरम्मत हो रही है और पुलिस ऑफिस में भी आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ भी रंगाई पोताई चल रही है। पैसा है, ये लोग सभी भवनों में काम चल रहा है। बहुत जल्दी आपको एकदम आमूलचूल परिवर्तन दिखेगा। हाँ, कंट्रोल रूम में कुछ लोग कल निरीक्षण के दौरान मालूम हुआ था कि फेक कॉल्स आते हैं, इवन कुछ लोग गाली देते हैं टेलीफोन पर। तो कल ही मैंने कहा था तो एसएसपी साहब ने उसमें आज किया, दो लोग उसमें पकड़े गए हैं फेक कॉल करने वाले। आप लोगों के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जनता की सुविधा के लिए है 100 नंबर, उस पर कोई बदतमीजी करने के लिए नहीं है। ऐसे लोग जो करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चलिए, उसमें तो जो इस तरह के फॉल्स या फेक कॉल करते हैं वो सब पुलिस की नज़र में हैं, वो नंबरों को क्लोजली देखा जा रहा है, जैसे ही पता चलेगा उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही। खबरें अब तक में आज के लिए इतना ही, अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका CN24 में। पूर्वांचल का कोई भी हिस्सा हो नहीं बचेगा हमारी नजरों से। खबरें हर कीमत पर, खबरें गली कूचे से लेकर राजपथ तक, चाहे राजनेता हो, खिलाड़ी हो या फिर आम आदमी। मुद्दा साफ सफाई का, बेरोजगारी का या फिर विकास का, हमारी नजरें पर्दे के पीछे भी नहीं बचेंगी कोई भी खबरें। खबरें अब तक, खबरें आप तक। We'll be right back.